हेलो फ्रेंड्स, ओडिया कर्नर यूट्यूब चैनल रे आपण मानंकु बहुत बहुत स्वागत। जन्म वार्षिकी रे पंडित नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पण कले प्रधानमंत्री मोदी और सोनिया गांधी। आज जन्म वार्षिकी अवसर रे पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी एवं अन्यान्य नेता माने श्रद्धांजलि अर्पण करिसेंति। ट्वीट करि प्रधानमंत्री लिखिसेंति, जन्म वार्षिकी अवसर रे पंडित नेहरू को प्रति श्रद्धांजलि। सेहिपरि कांग्रेस रो मध्यवर्ती कालीन अध्यक्षा सोनिया गांधी मध्य समाधि स्थल शांतिवन जाय देशर प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्रति पुष्पांजलि अर्पण करिसेंति। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मध्य आज देशर प्रथम प्रधानमंत्री को प्रति श्रद्धांजलि ज्ञापन करी लिखिसेंति, सत्य, एकता एवं शांति उपरे गुरुत्वारोप करुथिबा भारतर प्रथम प्रधानमंत्री को स्मरण करुछि। परवर्ती हला दिल्लीर वायु गुणवत्ता अति निम्न धरणर, आगामी दुई दिन में बदलिबार संभावना अछि। सामग्रिक वायु गुणवत्ता सूचक अति निम्नमान वर्गर थिले सुधा आज सकाळे दिल्लीर वायु प्रदूषण रे सामान्य सुधार आसीथिबा जणा पडिछि। वायु गुणवत्ता संबंधरे पूर्वानुमान करूथिबा भू विज्ञान मंत्रालयर एजेन्सी सफर कहिबा अनुसारे जातीय राजधानी रे AQI रो मात्रा 386 रहिछि। सूचना योग्य, शनिवार दिन जातीय राजधानी रे AQI भीषण वर्गर थिला। आगामी दुई दिन मध्यरे वायु गुणवत्ता रे उन्नति घटि पारे। 51 रो 100 रेंज मध्यरे थिबा AQI कु संतोषजनक, 101 रु 200 मध्यरे साधारण एवं 201 रु 300 मध्यरे निम्न मान वर्गर बोली विवेचना करा जाय। सेही परि ताहार स्तर 300 रु 400 मध्यरे रहिले अति निम्न मानर एवं 401 रु 500 मध्यरे रहिले विपदजनक वर्ग भाबे विवेचित होइथाय। दिल्ली बासिंदा मानकु मध्य परामर्श दिया जायछि जे सेमाने बाहर कार्यकलाप सीमित करंतु ओ जथा संभव कम वायु संस्पर्शरे आसंतु। परवर्ती टीला 24 घंटा रे भारत रे 11271 COVID-19 संक्रमण, मृत्यु संख्या 285। देश में कोरोना वायरस जनित महामारी व्यापीबा दिन ठारु आज दैनिक संक्रमण संख्या 11,000 रु किछि अधिक थिबा बेले मृत्यु संख्या 300 रु सामान्य कम रहिछि। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय तथ्य अनुसार रविवार सकाळ 8:00 सुधा समग्र देश में 24 घंटा मध्य 11,271 कोरोना वायरस जनित नूतन संक्रमण और 285 मृत्यु रेकर्ड करा जायछि। गत 24 घंटा रे चिन्हट होइथिबा नूतन आक्रांतों को मिसाई देश में समुदाय संक्रमितों संख्या 3,44,37,307 रे पहुंची। परवर्ती टीला मंगलवार गड़ीबो नंदनकानन रो टॉय ट्रेन, रोपवे को आहुरी अपेक्षा। नंदनकानन रो टॉय ट्रेन गड़ीबा निष्पत्ति एबे टळमळ अवस्था रे। नुआ टॉय ट्रेन रे निया लागिबा परठारु एहार चलाचल बंद हो जायथिला, तेबे पुणी केबे एही रेलगाडी गड़ीबो ताहा स्थिर होइ पारु नाही। बैटरी चालित ट्रेन टी पर्यटकों पई सुरक्षित कि नुहे बोली कर्तृपक्ष निश्चित होइ पारु नथिबा जणा पड़िछि। बारंबार रेल धारणा रे गड़ाई परीक्षा करा जाउथिले भी कर्तृपक्ष एथिरे यात्रीक निरापत्ता को नै भरोसा करि पारु नाहंती। आसंता मंगलवार पुणी एही रेलगाडी गड़ीबो बोली कुहा जाउथिले भी ताहा अनिश्चितता भितरे रहिथिबा सूचना मिलिछि। परवर्ती टीला आज ओ आसंता काली श्रद्धालु को पई श्रीमंदिर बंद। आज ओ आसंता काली श्रद्धालु श्रीजीव को दर्शन रु वंचित हेबे। एही दुई दिन दर्शनार्थी को पई श्रीमंदिर बंद रहिबो बोली मंदिर प्रशासन पक्षरु घोषणा करा जायछि। पूर्व रविवार भली आज भी श्रीमंदिर सानिटाइजेशन करा जाउथिबारु श्रीमंदिर बंद रहिबो। एणे आसंता काली पवित्र बड़ एकादशी पड़ुथिबारु काले श्रीमंदिर रे दर्शनार्थी को भिड़ हेबो सेभली आशंका प्रकट करी भक्तों पई दर्शन बंद करा जायथिबा कुहा जाउछि। परवर्ती टीला 80% योग्य भारतीय कोविड टीकार प्रथम डोज नेइछंती। केन्द्र स्वास्थ्य मंत्रालय शुक्रवार देइथिबा सूचना अनुसार COVID-19 टीका नेबा पई वयस दृष्टि रु योग्य भारतीय मानक मध्यरु 80% अंततः गोटे डोज टीका नेइथिबा बेले 38% उभय डोज टीका नेइ सारिछंती। एबे हर घर दस्तक, घरे घरे टीका अभियान चालीथिबा बेले एक भाव विनिमय वेबिनार रे अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव मनोहर अग्नानी कहिछंती जे नवंबर 30 सुधा जेपरी 90% योग्य भारतीय प्रथम डोज नेबे सेही लक्ष्य रे काम चालीछि। घर घर बुली कोविड टीका देबा पई सरकार निकटरे मासव्यापी हर घर दस्तक अभियान आरंभ करिछंती। जेउ माने ए जाय आदो टीका नै नहंती एवं जेउ मानकर द्वितीय डोज नेबार समय गड़ी गलानी सेमानकु टीका देबा लागि एही अभियान आरंभ होई छी। प्रतिटी हला 6 जिल्ला रे जारी रहिबो वर्षा, अंडमान सागर रे सृष्टि हला लघुचाप।
बंगोपसागर सृष्टि होता लघुचाप बलय प्रभाव में उपकूल ओडिशा रे शनिवार दिन तमाम वर्षा जारी रही आज मध्य राज्य किसी स्थान में वर्षा हो पुरी जगत सिंहपुर गंजाम कटक खोर्धा और नयागढ़ आदि छह जिले में प्रबल वर्षार संभावना रही दर्शाई आंचलिक पापाग केन्द्र पक्ष येलो वार्निंग जारी कर शनिवार दिन दक्षिण आंडामान सगर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि आसंता 15 तारीख भितर अधिक घनीभूत हो अवपातर रूप ने धीरे धीरे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिगरे गति कर अधिक घनीभूत हो 18 तारीख सुधा आंध्र उपकूल अतिक्रम कर प्रभाव ओडिशा रे पड़ पाग मेघुआ सह वर्षार संभावना थी केन्द्र पक्ष कहती आज शिशु दिवस दारिद्र्य पाखे बंध पड़ी शैशव शाग चार विड़ा 20 नहीं जाओ सज कौशल बयस 10 हेब कि ना कि पर हाट में शुभ्रर व्यावसायिक भाषा कौन पोखत व्यवसायी कम नाला पंचम श्रेणी में पाठ पढ़ुले स्कूल छुट्टी थी से सगर पसरा मेल कहते मात्र तार व्यवसाय कर कला ही सूचाई देवला केवल आज नुहे से ढेर दिन हे व्यवसाय करुचे खाली शुभ्र नुहे कुनी कुनी पिला माने आज भी क्यों ग्यारेज रे काम करुछंती तो पुणी क्यों बाबू मान घरे काम पाइटी करी पेट पोषुछंती ए चित्र आज नुहे बरं सबुदिन एभली संवेदनशील चित्र आखि सामने नाची जाए अथच सचेतन नागरिक मैंने नीरवरे समर्थन करती जो बयस खेली बुली मजा करने कथा से बयस बोझ लदिदेबा जे अन्याय यह ना कहीं बुझाती ना अभिभावक मैंने शुणा को प्रस्तुत था कहुए शिशु माटी पितुला जमी गढ़ गढ़ी हे मात्र आज भी किसी पिला भविष्य को अनिश्चितता आड़ को ठेली अभिभावक परवर्ती ओडिशा पानी आंध्र ने छाणी कलिंग दल प्रकल्प निर्माण बेलर चुक्ति भूलीगला गंजाम जिला पात्रपुर ब्लॉक सीमांत पुणी आंध्रर दादागिरी सामना को आसी ओडिशा सरकार द्वारा गुड़ी खड़ा तलिया जगार प्रदत्त प्राय 400 एकर जमी आंध्र प्रदेश सरकार कलिंग दल प्रकल्प निर्माण करते उभय राज्य मध्य स्वाक्षरित चुक्ति अनुसार यह प्रकल्प पानी को आंध्र निजर जमी को छाड़ यह बदल सीमांत ग्राम से रास्ता पा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा समेत समस्त मौलिक सुविधा जोगाइब दुखर कथा है कलिंग दल प्रकल्प निर्माण कर आंध्र सरकार निज राज्य सुना फड़ा बेले चुक्तिर सर्तावली को भूली जाती फल सीमांत इलाकार रोकवा बहु आदिवासी ना ओडिशा ना आंध्र सरकार कहा द्वारा भी उपकृत हो पार ना परवर्ती बंद हे स्पेशल ट्रेन भड़ा ह्रास कोरोना परिस्थिति रे बेहाल हो पड़े साधारण जनता भारतीय रेल ठीक से ही समय चलाचल कर स्पेशल ट्रेन एवं से ही स्पेशल ट्रेन उठाई निजी कोरोना समय चलाचल कर समस्त स्पेशल ट्रेन आउ चलाचल करना रेल विभाग जनई तेब यह परे स्वाभाविक नियम में जो सब मेल एक्सप्रेस ट्रेन चली ट्रेन चलाचल कर स्पेशल ट्रेन जात्री को जो 30% अतिरिक्त भड़ा देवाकूम बंद कर दिजावी केन्द्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव जनई रेल मंत्रालय एक निर्देशिका जारी कर मंत्री कहते एत दिन पर्यत जात्री को अतिरिक्त भड़ा देवाक पड़ा ताद कर दिजाव सूचना योग्य कोविड पूर्व प्राय 1700 मेल एक्सप्रेस चलुला जहाँ कोरोना समय बंद रही से हीपरि अतिमारी पूर्व 3500 पैसेंजर ट्रेन चलुवा बेले 1000 चलुच एथर ट्रेन चलाचल स्वाभाविक हेबो बोली मने करा जाउछी परवर्ती आज महानदी मझी पोल गाड़ी चलाचल बंद चारिमास धरी चलो मरामती शिखरपुर जगतपुर मझीरे महानदी में होता तीनोटी पोल मझी पोल गाड़ी चलाचल कमिश्नरेट पुलिस पक्षर बारण कर पोल मरामती तेणु आज 2022 मार्च 13 तारीख पर्यंत यह पोल गाड़ी चलाचल को बंद कर तेरे मंगुपटू कटक सहर अभिमुखे आसुवा गाड़गुड़िक महानदी बामपट ब्रिज में आसवे परवर्ती राज्य में सामान्य बढ़ला कोरोना ग्राफ 24 घंटे 262 कोविड पॉजिटिव चिन्हट राज्य में सामान्य बढ़ला कोरोना ग्राफ अंपटे मृत्यु संख्यार ब्रेक लगी तेज राज्य में गत 24 घंटा मध्य आउ 262 एक्टिव केस चिन्हट होती मध्य 0-18 वर्ष बयस 42 जन नुआ रोगी चिन्हट होती संक्रमित 153 जन क्वारंटाइन सेन्टर
ଓ 109 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10,45,471 ଜଣକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। 20 ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 132, କଟକ 21, ସମ୍ବଲପୁର 14, ବାଲେଶ୍ୱର 12, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା 8, ଯାଜପୁର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 6 ଲେଖାଏଁ, ଭଦ୍ରକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ 5 ଲେଖାଏଁ, ଦେବଗଡ଼ ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 3 ଲେଖାଏଁ, ଗଞ୍ଜାମ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ନୟାଗଡ଼ରୁ 2 ଲେଖାଏଁ, ବରଗଡ଼ କୋରାପୁଟ ମାଲକାନଗିରି ପୁରୀ ଓ ରାୟଗଡ଼ାରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟପୁଲରୁ 31 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଜବତ। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଲଘୁଚାପ, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମାଡ଼, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଶନିବାର ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଓ ସଂଲଗ୍ନ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ସାଗର ଉପରେ ଲଘୁଚାପ ରୂପ ନେଇଛି। ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ମୁହାଁଉଛି। ଆସନ୍ତା 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଯିବ। 17 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ସମୁଦ୍ରରୁ ଅଧିକ ବଳ ଗୋଟାଇ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବ। GFS ମଡେଲ ମୁତାବକ 19 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆନ୍ଧ୍ର ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। କିଛି ମଡେଲ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ପ୍ରାୟ 6 ଦିନ ଯାଏ ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ରହିବ, ଫଳରେ ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ଏବେ ସମୁଦ୍ର ଜଳପତନର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହୁଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରରେ ସି ସର୍ଫେସ୍ ଟେମ୍ପରେଚର 29-30 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଛି। ବାତ୍ୟା କେଉଁଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ତା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ପୂର୍ବାନୁମାନ ଆସିନି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା ସପ୍ତାହକରେ ସୁନା 862, ରୂପା 1654 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା। ଦେଶରେ ସୁନା ରୂପା ଦର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା ସୁନା ଦର 862 ଟଙ୍କା ଏବଂ 1 କିଲୋ ପିଛା ରୂପା ଦର 1654 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଗତ 8 ତାରିଖରେ ସୁନା ଦାମ 48,141 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 13 ତାରିଖରେ ଏହା 49,003 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି 8 ତାରିଖରେ ରୂପା ଦର 64,631 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଏହା 66,285 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 5 ମାସ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁନା ଦର 49,000 ଟଙ୍କା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀଟି ହେଲା କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଉପରେ ମୋଦିଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା, ଯୁବବର୍ଗକୁ ବିଜ୍ଞାପନ ଭ୍ରମିତ କରିବା ଅନୁଚିତ। କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ଓ ଭାରତରେ ଏହାର ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ବିଜ୍ଞାପନଗୁଡ଼ିକ ଯୁବବର୍ଗକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ବିଜ୍ଞାପନ ଯୁବବର୍ଗକୁ ଭ୍ରମିତ କରୁଛି ବୋଲି ବୈଠକରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଭଳି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଅସ୍ପଷ୍ଟ କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସି ବିଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। କ୍ରିପ୍ଟୋ କରେନ୍ସିର ଆହ୍ୱାନଗୁଡ଼ିକର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ନିମନ୍ତେ କୁହାଯାଇଛି। ବୈଠକରେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଶକ୍ତିକାନ୍ତ ଦାସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଓ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଜୟ ତ୍ୟାଗୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ।